और एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 7 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की विकलांगता के शिकार हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% लोग ही अपने पैरों पर खड़े हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति के दम पर अपनी विकलांगता को हरा दिया है। पैरा ओलंपियन नरेश कुमार शर्मा ऐसे ही एक वीर हैं। बेटा पोलियो का शिकार, लेकिन जज्बा इस बात का कि उसे हर हाल में कामयाब निशानेबाज बनाना है, और फिर बेटे के जज्बे और माँ की जी तोड़ मेहनत ने देश को दिया एक अचूक निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा। माँ का ये था कि भाई इसने मानना तो है नहीं, अब जो इसको करना है उसको करने दो। शुरू शुरू में माँ के अलावा सभी ने नरेश के जज्बे का मजाक उड़ाया। लोगों ने बड़े हंसते हुए बोला कि व्हेन एबल बॉडी कांट शूट प्रॉपरली हाउ ए डिसेबल कैन स्टैंड। लेकिन नरेश लक्ष्य पर निगाह जमाकर लगातार अभ्यास करते रहे। हम भी एक सोल्जर ही हैं, जब वो फ्रंट पर जाते हैं हम तो खेल के मैदान में जाते हैं। हमारा ये कि हमारा तिरंगा हमेशा लहराना चाहिए और हमें बहुत मेहनत करनी है अपने देश का नाम रोशन करना। पैरा गेम्स की राइफल शूटिंग स्पर्धा में 61 से ज्यादा मेडल जीत चुका ये सूरमा 2012 लंदन पैरालंपिक्स में तो चूक गया, लेकिन अब उसका निशाना है अगला पैरालंपिक्स। It's all about unleashing your potential. That's what today's bees have taught us. So come forward and be a catalyst while they realize their dreams. Come and contribute generously. Remember, it takes just 7,500 rupees to train a person with disability. I bet this will be a real lifetime investment. Beer